आइए भजन बोल लेते हैं। अरे यशोदा की लाल मोइले चलते Thank you.
भगवान की। अच्छा लगा तो ये भरत खराब लगा तो है। बताओ तुम्हारी आंखें बंद नहीं गई, मैं काहे को अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा, तुम्हारे लोगों ने जय कुमार बुलाओ भैया। तीर करो अब जब तुम जानो आंखी बनवाई काने को। अरे गलो तो है, गलो है। अब कोई ऐसो वीर हो है जा गांव में तो आवाज कहे आवे है कोई? लेकिन जइयो हिसाब से शब्द बेदी को मतलब जानता हूं। एक खटा को होन भाव। देखो भैया ध्यान देना, आवाज करनी ऐसी है जहां तीर खड़ा है वहां तीर से अगर हफ्ते बाद होगी खाली जाएगा। पहले बात समझ रहे हो? तीर जिस जगह पर गड़ा है ठीक वहीं पर नोक लगे, नहीं तो निशाना खाली जाएगा। और बचे हो रही हो? नहीं हम मौका देंगे फुल। अच्छा अच्छा फुल देंगे। बोलो ब्रह्माचार्य की, वीर अर्जुन की, पितामह भीष्म की। पहुंचो कोई है ऐसो हो नवाज कर देने के। नहीं कोई। अरे जा मौका मिले मौका। अरे मतलब उससे शब्द भेदी का मतलब ये होता है कि जहाँ शब्द होगा वही बाण पहुंचेगा। नहीं ऐसे नहीं छोड़ देंगे। अरे हटा अलग किया, कोई दूसरा बाण दे दे मैं डर दे, कोई दूसरा बाण दे दे, बाण से ही वहां दूर खड़े होके उसने बहा ले बाण खटका दियो होना बाकी पर दूर से मतलब आपके लगेगा नहीं, तीर वहीं जाएगा जहां आप आवाज करेंगे धीरे से बैठ के। सही है अब है ना, जब एक था एक तब तुम करो आवाज बोलो मतलब शांत रहो। अरे रुक जाओ, अरे रुको रुको रुको, वो तो सर्रा बांध दी भले आदमी ने। ठीक है फैल जाए या याद रखियो तो मोबाइल डब्बा सो। हां करो आराम से करो करो। सही बात सही है बिल्कुल, लेकिन आपने वहां मारा ही नहीं जहां मारना चाहिए। बिल्कुल बाण बाण लगो जाए बाण नहीं लगा है।